हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिन्स रेसिपीज़। मैं हूँ मीनाक्षी और आज फिर से लेकर आई हूँ वेट लॉस की रेसिपी। वो है दलिया की खिचड़ी या उपमा, जो भी आप कहें। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे लंच में, ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में इसे ले सकते हैं। किसी भी एक टाइम आप इसे बना करके अच्छे से खा सकते हैं और इससे क्या होता है कि आपको भूख बहुत ही कम लगेगी। प्लस आप जो भी पसंद करते हैं, पनीर, गाजर, टमाटर, गोभी, जो भी सब्जियां आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही कम घी तेल के साथ आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप मूंग दाल और एक कप दलिया, जिसे मैंने 10 मिनट के लिए भिगो दिया। एक टमाटर कटा हुआ, साथ में आप देख सकते हैं कुछ सब्जियाँ हैं जैसे कि धनिया पत्ता, गाजर, प्याज, लहसुन, मिर्च बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा बीन्स लिया है और साथ में लिया है थोड़ा सा जीरा और सरसों, लगभग एक चम्मच, दोनों को मिक्स करके। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर को गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे लगभग एक चम्मच तेल। तो यहाँ पर मैं तेल यूज़ कर रही हूँ, वैसे अच्छी बात यही होगी आप इसको घी में बनाएं, ज़्यादा बेहतर होता है वो। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे सरसों और जीरे को और इसे चटकने देंगे। अब इसमें डाल देंगे हम करी पत्ता और इसे एक बार ऐसे आप चला लें। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं लेकिन प्रेशर कुकर में जल्दी बनता है और एकदम परफेक्ट बनता है। साथ में डालेंगे लहसुन और मिर्च, प्याज और इसे हम थोड़ी देर चलाएंगे। इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, हमें हल्का गुलाबी होने तक चलाते रहना है। तो कुछ देर के बाद अब हम इसमें डाल देंगे गाजर, बीन्स, जो भी सब्जी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं, हरी मटर वगैरह जो भी आपको मिले यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं और इसे हम चलाएंगे। और इन्हें भी बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है। वेट लॉस में अगर आप रेसिपी बना रहे हैं तो आप उसे हल्का कच्चा ही रखें तो बेहतर होगा। साथ में डालेंगे नमक और हल्दी और फिर से इसे हम चला लेंगे अच्छे से। और यहाँ कोई मिर्च मसाला मैं नहीं डालूँगी, सिर्फ हल्दी नमक पर ही ये बनेगा। अब मैंने यहाँ पे टमाटर भी डाल दिया है और थोड़ी देर इसे हम कुक होने देंगे। तो ढक करके मैं थोड़ा सा इसको कुक करूँगी, लगभग 1 से 2 मिनट। तो आप देख सकते हैं टमाटर के ग्रेवी में ये अच्छे से सब कुछ मिक्स हो गया है। अब हम डाल देंगे दाल और दलिया को, जो कि हमने भिगो करके रखा है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो एक कप दलिया के लिए यहाँ पे मैं लगभग 2 कप पानी डालूंगी। तो मैं यहाँ पे बहुत ही पतला खिचड़ी जैसा नहीं बना रही हूँ, उपमा जैसा बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने पानी यहाँ पे कम डाला है। और अब प्रेशर कुकर को हम बंद करेंगे और 2 से 3 सीटी इसको हम देंगे और उसके बाद ये तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही यमी लगता है और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप कुछ अलग खा रहे हैं। और इसमें धनिया पत्ता डाल के आप सर्व कर सकते हैं। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।